आज का चलो हम लोग निकलने के लिए हो गए। ये तो बस इस तरीके के ये थोड़ा सोसाइटी थी, मैंने सोच आप लोग को भी शो कर देती हूँ। और बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे, और जो बस थी ना हमारी वो कश्मीरी गेट से मिलेगी, तो उसमें पहुँचने में करीब हमें एक घंटा 10 मिनट्स लगे थे, सवा घंटा आप ये मान लो। तो बस वहाँ के लिए निकले। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से लाइन से बसेस खड़ी हो रही हैं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं। मेल आ गया है अभी, हमारी बस को 25 मिनट हैं करीब। तो इस तरीके से यहाँ पे है, वेट करना है, देन अपन बैठेंगे। ये लो भैया, भैया ना वो है टिशू है क्या भैया, ऐसे ले लो टिशू। चलो चलो क्या हो रहा है, पानी बोतल गिर गई है। तो बस हम लोग रात में, मैंने नहीं शूट किया था क्योंकि थोड़ा सा खाना वाना खाया, उसके बाद सो ही गए थे। भले वो सिटिंग था बट जाके चले गए थे, और पूरी रात ओवरनाइट की जर्नी थी। और अभी बजे हैं करीब सुबह के, शायद हमें लगता है 6:30 बजे होंगे। तो हम लोग निकल गए थे वहाँ के लिए, और ये देखिए स्टार्टिंग हो चुकी है कुल्लू के लिए, आप देख सकते हो। मॉर्निंग बजे हैं सुबह के 7:40, और हम ट्रैवल अभी कर ही रहे हैं, अभी 2 घंटे और ट्रैवल करने वाला। सीन तो आप देख सकते हो, ये देखिए बगल में हमारे बीच रिवर, नीचे सन, साथ में माउंटेन, सूरज, नज़ारे तो बहुत ही सुंदर हैं। ये देखिए इतनी पतली रोड के साथ आप रेस्ट करेंगे। तो फाइनली करीब 10:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं अपने कॉटेज में। इस वक्त हम लोगों ने होटल एक कॉटेज बुक किया, क्योंकि जहाँ जैसा जाओ उस तरीके से बुकिंग करो। तो मैं अभी इसका बैक व्यू दिखा दूंगी, मतलब प्रॉपर आपको कॉटेज इन द सेंस आपको ये दिख रहा होगा, पूरा सीलिंग से लेके इवन इनके ये बेड तक सब कुछ वो वुडन का ही रखते हैं, और देख रहे हैं बाथरूम में। और इसको हम लोगों ने इसलिए और प्रेफर किया है, इसमें मैं दिखाती हूँ, इसमें इन्होंने बहुत बड़ी सी बालकनी अटैच करी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और बालकनी के साथ साथ ये टेंट दिया है, तो ये देखिए ये देवेद खेल के जा चुके हैं, रात में कुछ होगा तो होगा। इसका व्यू अगर मैं ऐसे दिखाऊं ऐसे, और साथ ही साथ ये देखो ऐश तो ये अपनी चाय वाय पी के इधर बैठे हैं, अभी हम लोग नहाएंगे वाएंगे और ये चीज़ें ऐसे मतलब तैयार होंगे। इसका मैं बैक व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा, यहाँ से मिस बालकनी से कैसा क्या आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ से जो बैक व्यू है, ये पूरा हिमालयन ऊपर वो देखिए रेंज, और अगर मैं जूम कर दूँ तो वो देखिए वो स्नो वाला है, और आप देख ही सकते हैं, तो उसका व्यू काफ़ी अच्छा आता है। और इधर से आप ये देखोगे तो इस तरीके का, तो अच्छा है। हाँ, अपनी वीडियो में स्नो भी दिखा दो, हमने दिखा दी वीडियो में स्नो। अब हम लोग रेडी होंगे और जाएंगे नीचे, देखते हैं मॉल रोड। और ये देखिए ये यहाँ से व्यू, अभी हम लोग यहीं नेक्स्ट डे, ये देखिए पीछे और ये सब चलते हुए।
गुड मॉर्निंग, अभी बजे हैं सुबह के करीब 10 और हम लोग निकल गए हैं अभी लोकल साइट सीइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्यूसडे जो होता है रोहतांग पास के लिए क्लोज रहता है, तो उसके लिए लोकल फिर नेक्स्ट डे करेंगे। और ये सब पीछे आ रहे सब सच सच के कर कर के तो अभी हम लोग जा रहे हैं हिडिम्बा टेम्पल, यहीं पे है, वहीं पर लंच वंच मतलब कुछ खाएंगे पियेंगे तब फिर वो करेंगे। और ये देखिए इस घर का जो स्ट्रक्चर रहता है ना वो किस किस टाइप के, हाँ ये सब अनार के पेड़ हैं अंदर उनके। हाँ हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए नहीं ऊँचे ऊँचे तक। और मम्मी ने अपना प्लान बना लिया है, शॉल लेनी है, गर्म सूट लेना है, आरू के लिए पोचू ले लेना, एक पोचू आरू के लिए, बाकी जो लेना हो लेना पोचू। हाँ क्या, हाँ हम देख रहे हैं। चलो पहले आप उपस्थित सभी लोगों का आयोजन कर रहे हैं, हम लोग आ गए हैं और इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ इनका मतलब फेस्टिवल टाइप के चल रहा है जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज की जाती है आपको मतलब उनका आज विधिवत रूप से शुभारंभ करने हमारे भी जा रहे हैं नगर परिषद टीम कंप्लीट। नगर परिषद के जो सदस्य हैं तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे वन विहार, कुछ नहीं है इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या है ये देख सकते हो आप कितने ऊंचे, तो मतलब अच्छा है थोड़ा सा ठंडा। हम सुखा है यहाँ पे और ये तीनों एज यूजुअल यहाँ पे दो कपल्स बैठे थे वो लोग फोटो खिंचवाए थे, तीनों ने मतलब लोग उनको हटवा दिया है और बैठ के खिंचवा रहे हैं और ये लगे हैं कुछ अपने माँ। हाँ ये देखो मैं खींच रहा था, फोटो सेशन नहीं चल रहा है तब से। तो ये है हिडिम्बा टेम्पल, अभी मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी और उसके पीछे में जो इसका व्यू है वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ऊंचा और काफ़ी ये देख सकते हो यही सब नेचुरल ब्यूटी होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, ये आप देख सकते हो। चीज़ें जिस अकॉर्डिंग पसंद आए मतलब अपने अपने हिसाब से। हाँ और इसमें मैंने मांगी थी भैया, इसमें आपके पास और कुछ है क्या? इसमें सब नहीं है।